ये बहुत ही स्पष्ट है कि इस सरकार की साख रोज बरोज गिरती जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अब मजाक का पात्र बन रही है। कल रेल मंत्री रेल बजट प्रस्तुत करते हैं, प्रधानमंत्री उसकी तारीफ करते हैं, रात में उनके इस्तीफे का दबाव उनके सहयोगियों से पड़ता है। जब भी आम बजट या रेल बजट कोई भी बनता है तो प्रधानमंत्री से चर्चा होती है, कैबिनेट से भी अनौपचारिक चर्चा होती है। ये मैं स्वयं जानता हूं क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं। ये सरकार किस प्रकार से चल रही है, बाएं हाथ को नहीं पता है कि दायां हाथ क्या कर रहा है। ये मनमोहन सिंह की सरकार की भारी विफलता है और प्रधानमंत्री के पद का भी रोज बरोज अवमूल्यन हो रहा है और भारत का लोकतंत्र सही में मजाक का पात्र बन रहा है जहां तक कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपेक्षा करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस पूरे मामले को स्पष्ट बताएंगे। यह अनिश्चितता देश के लिए ठीक नहीं है। अगर ये रेल मंत्री नहीं है तो कौन रेल मंत्री है? बजट प्रस्तुत हो चुका है, वो संसद की प्रॉपर्टी है, उसका क्या होगा? ये सारे विषय बहुत अनिश्चितता के घेरे में हैं। शायद यूपीए की राजनीतिक साख पर कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजों का भी असर पड़ रहा है कि जहां से प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक ताकत प्राप्त करते थे, शायद उस ताकत में भी कमजोरी आई है। Well, what is happening in the country today, I know it with my own experience in government earlier. In this light, this spell of uncertainty is also the source of authority of our Prime Minister has also become weakened, and that is seriously being reflected upon the nature of governance which we are witnessing.